नमस्कार और राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, धूप निकलते हुए आज काफ़ी दिनों के बाद पोलैंड में। तो आज है आपका सैटरडे और ये आ गई हमारी वेरा जी। गुड मॉर्निंग। राम राम। राम राम। तो आज का दिन है सैटरडे और आज एक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा सा मौसम होते हुए, और इस सैटरडे है पोलैंड में छुट्टियाँ, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर फेस्टिवल है जो कि है ईस्टर। तो ईस्टर की छुट्टियां हैं पोलैंड में। Where are you going? Without me. Guys, I woke up and I see him dressed up. Look at this. Look at this thing back. Look at this. Show your shoes. What the heck? And he's going for fishing today. Luckily, it's a nice weather. Mm-hmm. I think, command, should I let him go alone with two friends more? तो चलिए आपको फिर लेके चलते हैं आज करने के लिए फिशिंग। तो अभी मैं वेट करते हुए अपने दो और दोस्तों का, एक तो मेरे दोस्त हैं जो कि हैं यूक्रेन से, मिस्टर सरगे, और एक हैं हमारे अपने इंडियन भाई मिस्टर काजा। तो सरगे भी यहीं पे हैं और मैं और सरगे यहाँ से निकलने वाले हैं, और खज्जा हैं अभी सुपरमार्केट में, वो कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो खज्जा को हम करेंगे पिकअप सुपरमार्केट से, हम जाएंगे सुपरमार्केट और हम भी कुछ सामान लेंगे अपने फ़िशिंग के लिए। तो निकलते हैं अभी और फटाफट से भी उठाते हैं खज्जा को और चलते हैं फ़िशिंग के लिए गाइस। तो लेट्स गो। तो चलिए करते हैं बाय बाय वेरा को, चलते हैं फिशिंग के लिए। बाय वेरा। बाय। क्योंकि वेरा आज के व्लॉग में नहीं होने वाली हैं, तो वेरा जी सी यू। तो ये रहे मिस्टर सरगे। मिस्टर सरगे हाउ आर यू? जिंदोबरे। ओके। प्रिवेत। ओके। याक दिला। ओके। नॉर्मल है। बार जिंदोबरे। स्ट्रावा। तो ये रहे सरगे और ये रही हमारी गाड़ी, और अभी हम निकलने वाले हैं करने पिकअप खज्जा को। तो चलिए करते हैं पिकअप खज्जा को और चलते हैं फिशिंग के लिए गाइस। मौसम आज बहुत ही बढ़िया होता हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल सनी ब्राइट वेदर। खज्जा इज इन द हाउस। खज्जा, वेयर आर यू? खज्जा ये पीछे छुपा हुआ है। तो अभी निकलते हुए हम एक शॉप से दूसरे शॉप में, बिकॉज हमारे खज्जा सुपर स्मार्ट है और ये सामान जो चाहिए था वो लेके नहीं आए। तो अभी चलते हैं दूसरी शॉप में और वहाँ से लेते हैं सामान, क्योंकि ये एक सुपरमार्केट है, यहाँ पे टाइम लगेगा काफ़ी। तो चलते हैं एक छोटी शॉप में और वहाँ से लेते हैं कुछ सामान अपनी फ़िशिंग पिकनिक के लिए, और फिर निकलते हैं फ़िशिंग के लिए। अंतोनियो बंदारस। यस। कम ऑन ब्रो। तो जाते हुए हम लेक की तरफ, और खज्जा शायद सो गया पीछे। खज्जा, आर यू स्लीपिंग? खज्जा इट एट अटमोस्ट अटमोस्ट पीस, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज गॉट अ हॉलिडे, सो ही इज लाइक इन चिल मूड। या खज्जा? And Sergey has the same holiday vibe. He's relaxing, enjoying. Da Sergey, class nice pagoda, classy vibe pagoda da. Show the view, man. Show the fucking the view, bro. Wonderful. The view is beautiful. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जंगलों से होते हुए जाते हुए हम शहर के बाहर इस एक beautiful sea lake पे, जहाँ पे हम करेंगे fishing. तो जगह पे तो हम पहुँच गए हैं और ये हमने कर दी है अपनी गाड़ी यहाँ पे park. लेकिन जो सारे spot हैं वो सारे full यहाँ पे. यहाँ पे कोई भी स्पॉट खाली नहीं है जहाँ पे हम कर सकें फ़िशिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क्ड, और ये सारे स्पॉट पता नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे स्पॉट ऑक्यूपाइड हैं। तो अभी हम ढूंढते हुए जगह कि हम कहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें और स्टार्ट करें फ़िशिंग। तो चलिए ढूंढते हैं गाइस और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी भी जगह नहीं मिली है हमें, और जगह के लिए संघर्ष जारी, ढूंढते हुए हम यहाँ पे जगह कहीं मिल जाए तो हम अपनी गाड़ी पार्क करें वहाँ पे और स्टार्ट करें फ़िशिंग। वैसे ही जो वीकेंड है वो है ईस्टर वीकेंड, अभी आपका है ईस्टर जो कि है कल। तो अभी पोलैंड में हैं छुट्टियाँ, सारे लोग हैं छुट्टियों पर, कर रहे हैं मज़े, और मौसम भी लकली इस वीकेंड में काफ़ी बढ़िया हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स रियली ब्राइट एंड सनी। तो ये आउटडोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और यहाँ पे जगह की तलाश में सरगे ढूंढते हुए।
Look. Mm. Будьте тут, а я зараз пройду далі і забачу. Окей, 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 окей. Окей. What's up, Khaja? No space? What are we gonna do, man? I don't know, man. Wait, yeah. Khaja, tu asal aaj nahan ke nahi aaya na? Why not? Khaja, tu aaj bhi nahan ke nahi aaya na, beta? Why? Sas, sas, camera mein sas sas bol, nahan ke aaya ki nahi nahan ke aaya, jaldi bata. No, bro, I... Did you take shower or not? Smell, yeah. And how long has it been? It's been today, I think, 7-8 days. I like the mask, yeah. सभी लोग वीडियो में कमेंट करो और बताओ खज्जा को शावर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस गंदे आदमी को नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए. तो बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमें जगह यहाँ पे मिल गई है. ये रहा हमारा स्पेस और यहाँ पे करते हुए सेटअप अपने फिशिंग इंस्ट्रूमेंट को और व्यू यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया. जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल शांति यहाँ पे, जंगल में मंगल, जंगल में. और ये कर दिया हमने गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्क, ये हमने लगा दी यहाँ पे दो कुर्सियाँ बैठने के लिए और अभी हम निकालेंगे सामान गाड़ी से और शुरू करेंगे अपना फिशिंग. फिशिंग तो मेरे और खज्जा के लिए ये दो चेयर, गरीबों के लिए छोटी छोटी, और ये बड़ी चेयर हमारे प्रोफेशनल फिशरमैन के लिए. खज्जा को कुछ पता नहीं है लेकिन ये ट्राई कर रहा है करने के लिए फिक्स. बेटा पता है तुझे कुछ? नहीं पता है. एंड ये इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, ये मैंने आज तक कभी नहीं किया है और देखा भी नहीं है. तो ये क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है. हमने खजा, हाउ डू यू फिश व्हेन यू स्मॉल? डिड यू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट्स? नो, नॉट एट ऑल. हाउ डिड यू फिश, टेल मी? वी यूज्ड नॉर्मली फिश विद जस्ट द फिशिंग रॉड एंड द नायलॉन थ्रेड. सो यू न्यू द फिशिंग रॉड, राइट? बट यू नो हाउ डिड वी फिश इन आवर विलेज? वी जस्ट टेक आउट द बैम्बू स्टिक, वी फिक्स दिस नायलॉन थिंग, या एंड वी जस्ट, यू नो, इट्स लाइक कंप्लीटली होममेड, नथिंग फैंसी. लेकिन यहाँ पे ये प्रोफेशनल फिशिंग रॉड जो कि आज तक मैंने कभी यूज नहीं किया और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है. तो ऑलमोस्ट हो गया असेंबल ये फिशिंग रॉड और अभी ये लगाने वाले हैं, क्या बोलते हैं सुखाजा बेटा बताना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं. दूसरा लगा रहा है वो. अच्छा अच्छा, ये दो लगाने के लिए. अच्छा, यहाँ दो रॉड से करेंगे फिशिंग, ये एक रॉड से नहीं, और एक रॉड गाड़ी के अंदर भी है. और जो प्राइस है इस चीज़ का, ये मैंने अभी सरगे से पूछा है, ये करीब करीब एक रॉड का जो कॉस्ट है वो है करीब 650 पॉलिश ज़ोटे. तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, 650 पॉलिश ज़ोटे में शायद इंडिया में मैं एक फिशिंग मार्केट खरीद लूँगा. और ये करते हुए तैयार चारा फिश के लिए, तैयार करते हुए बेट फिश के लिए. और ये रही आपकी बेट्स, ये है, और ये कुछ ये है जो हम कर रहे हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद बनाएंगे हम इसकी बेट. सर ये कॉस्ट हुई है दिन पाँच का दिन तो वन पैक इज फॉर 26 पॉलिश ज़ोटे और उसका भी प्राइस सेम है करीब करीब. और यहाँ पे करते हुए मिक्स, जब बोल रहा है ये फिश की बिरयानी है बस. हाँ ये इनके सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पड़े हुए हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं, कैसे करते हैं ये तैयार फिश की बेट. तो ये है इनकी प्रोफेशनल फिशिंग चेयर, काफ़ी ज़्यादा ही प्रोफेशनल है ये. यहाँ से आप इसे कर सकते हैं रिक्लाइन और इसे बैठने का आनंद ही कुछ और है. इस पे बैठे और आराम से आप कर सकते हैं बढ़िया सी फिशिंग और कर सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स. और इसकी जो इसका जो प्राइस है वो है 270 पॉलिश ज़ोटे, शायद आपको बताया मैंने. तो ये है आपकी एक प्रोफेशनल सी फिशिंग चेयर और यहाँ पे आप करते हुए मैं आराम से चिल, हमारा फिशिंग बेट होते हुए रेडी, खज्जा कुछ करते हुए बकचोदी वहाँ पे,
और मौसम एकदम नंबर वन फर्स्ट क्लास। और शायद बेट हो चुका है रेडी और सरगी भरते हुए बेट इसमें। गाइस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ मैं देखते हुए और सीखते हुए पहली बार लाइफ में। तो भर दिए बेट, अब करेंगे स्विंग। सो सरगे इज रेडी फॉर द फिश, कम ऑन। डालते हैं इसको पानी में और देखते हैं कि माय गुडनेस चली गई वहाँ पे। और अब इसको लगाएंगे हम यहाँ पे और करेंगे रिलैक्स और करेंगे वेट कि मछली हमारे जाल में फंसे। अब जाने वाली है दूसरी रॉड और हमारे सरगे जी रेडी इसे करने के लिए स्विंग। तो चलिए 1, 2 and 3 और ये मारा। तो ये भी हो गई है रेडी करने के लिए, फंसाने के लिए मछली को जाल में। और दोनों यहाँ पे लगा दिए हैं हमने और ये लगाने के बाद हम करेंगे रिलैक्स और हम करेंगे एंजॉय। तो हमने ये ली थी बियर्स सुपरमार्केट से, हमने ली थी 8 बियर और थोड़े से चिप्स। तो इसका हमने पे किया है 50 पोलिश ज़लोटी 53 पोलिश ज़लोटी। ये हैं आपके बियर के पैक, 4 यहाँ पे हैं और 2 निकाल लिए खजाने। और हमने लिए थे थोड़े से ये चिप्स जो कि आपके हैं 50 ज़लोटी के। तो चलिए फिर करते हैं मछली का जाल में फंसने का और मीन टाइम करते हैं अपनी प्यारी सी कार्ल्सबर्ग को एंजॉय और करते हैं रिलैक्स। पूरे हफ्ते हमने घिसी है अपनी पिछवाड़ी और आज छुट्टी के दिन मौका मिला हमें करने का रिलैक्स, तो यहाँ पे हम करते हुए रिलैक्स। फिशिंग रॉड हमारे लग चुके हैं, अभी तक हमने एक भी फिश नहीं पकड़ी है। यहाँ पर बैठे हैं हमारे प्यारे सरगे जी, यहाँ पर हमारे खज्जा जी, करते हुए लाइफ को एंजॉय शांति में। खजा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। तो यहाँ पे हम करते हुए अपना एंजॉय सैटरडे। तो जो भी लोग आ रहे हैं पोलैंड में उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि पोलैंड वाकई में एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। और यहाँ जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी हिस्टोरिकल हैं और हम रहते हैं एक स्मॉल पॉलिश टाउन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्मॉल पॉलिश टाउन से कुछ ही किलोमीटर दूर आप आ सकते हैं बिल्कुल नेचर में और कर सकते हैं यहाँ पे एंजॉय फिशिंग सन और कर सकते हैं मज़े अपनी छुट्टियों में। तो जो भी आ रहे हैं पोलैंड में ये सारी चीज़ें आप करें एक्सपीरियंस और यहाँ पे आप लाइफ को ऐसे करें एंजॉय, ऐसे करें अपने आप को आप रिलैक्स। और ये रही हमारी कोल्ड ड्रिंक, तो पीते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक और करते हैं एंजॉय। और ये तालाब के बिल्कुल ऑपोजिट में ये यहाँ पे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर, लकी हैं वो लोग जिनके घर यहाँ पे हैं। और सामने उनके ये एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा व्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी शानदार। आप यहाँ पे आराम से एक बढ़िया सी मॉर्निंग वॉक के लिए, एक बढ़िया सी इवनिंग वॉक के लिए आ सकते हैं और कर सकते हैं एंजॉय। और पानी के सिर्फ इस तरफ ही नहीं, पानी के उस तरफ भी काफ़ी लोग करते हुए फिशिंग। कैमरा में शायद ये कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा लेकिन दोनों तरफ करते हुए लोग आराम से फिशिंग और एंजॉय करते हुए अपना वीकेंड अपना सैटरडे। अगर मैं उसका टेंशन कहीं और होना चाहिए जब मैं मिल लेता हूँ तो आवाज़ आएगा। तो 1 घंटे हो गए हमें फिशिंग करते हुए लेकिन यहाँ पे एक भी फिश अभी तक नहीं आई है।
Sergei, so to jest, nie ma ryba. Bude czy nie bude rybalka? Później bude. Sergei says they will be, but there's already an hour and there's no fish so far. चलिए मछली तो नहीं है, लेकिन एक हम यहाँ पे भी करने वाले हैं prank. और अभी हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम काटने वाले हैं. खज्जा हमारे तैयार हैं. खज्जा ऑलरेडी टुक द पोजीशन. ओके, और 1 2 3. सो गाइस, ये यहाँ पे छोटा सा ये अलार्म, यहाँ पे जब फिश पकड़ेगी तो ये अलार्म रिंग करेगा. तो हमारे खज्जा ने ट्राई किया करने को सरगे को प्रैंक, लेकिन खज्जा इज अनसक्सेसफुल इन प्रैंकिंग. तो चलिए देखते हैं, कुछ लक होता है हमारा और हमें मिलती है फिश या नहीं मिलती है. मुझे लगता है कि नहीं मिलने वाली है, लेकिन देखते हैं. सरगे भी वहाँ पे गए थे चेक करने के लिए, वहाँ पे भी बंदों को नहीं मिली आज फिशेस, तो चेक करते हैं. और यहाँ पे एक फॉल्स अलार्म, ये तो देखते हैं चलिए फिश आई कि नहीं आई है. लगता है फिश आ गई है, तो लेट्स चेक इट आउट. ओह ओह ओह, तो मिल गई है फाइनली, एक मछली आ गई है पकड़ में. ओह, छोटी सी है लेकिन है तो सही. नो इट्स बिग ब्रो. Wow, look at this. No. Finally, एक मिलते हुए मछली. क्या बात है, क्या बात है. Good job. It's big, man. Do you know how to take it out, Khaja? Do I know how to take it out? Yeah. Hey, man. Master is here. ये किस तरह की फिश है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बढ़िया सी फिश. तो फाइनली हमें एक फिश मिलते हुए यहाँ पे, तो एक लंबे वेट के बाद एक और फिश आते हुए हमारे पकड़ में. और ये भी काफ़ी सिमिलर लग रही है मुझे लास्ट फिश की तरह ही साइज़. देखते हैं ये किस कितनी बड़ी है. ओह, ऑलमोस्ट सिमिलर जो लास्ट फिश हमने पकड़ी थी उससे, ऑलमोस्ट सिमिलर. ये था. और ये आते हुए हमारी फिश नंबर 2. वाओ, दोबरा रबोता सरगे दवाई. उफ, और ये हो रही हमारी फिश नंबर 2, और ये हमारी रही फिश नंबर 1. तो दो करीब करीब 3 घंटे में हमने पकड़ी हैं 2 फिशेस, तो नॉट बैड. और लक कुछ हमारा बदलते हुए यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक और फिश. तो देखते हैं इस बारी कौन सी फिश आई है, बड़ी है छोटी है क्या है. इसका जो अलार्म था वो काफ़ी तेज़ बज रहा था, तो मुझे लगता है ये बड़ी फिश होगी, लेकिन देखते हैं ये कौन सी फिश है. सर कैसे होते हैं मिश्रा, तो इस माँ वो चे दूजो तकीसाम, या मिश्रा तो इस बेंजे वेन से दूजो. और यहाँ पे बिल्कुल सेम काइंड की सेम फिश, थोड़ी सी छोटी है ये पहले 2 फिशों से, लेकिन ऑलमोस्ट सेम. ओह, तो आते हुए यहाँ पे एक और फिश शेयर की ये फिश. सर्गे इज किलिंग इट टुडे, 3 फिशेस ऑलरेडी. तो ये खतरनाक, 2 फिश यहाँ पे और 1 फिश यहाँ पे. यदन रिबा दो सर्गे, यदन रिबा दो खज्जा, यदन रिबा. 1 fish for all. Now we have 1 fish for all. और यहाँ पे एक और अलार्म, देखते हैं ये है फिश है कि नहीं है. सरगे बोल रहे हैं फिश, लेट्स चेक इट आउट. ये होने वाली है हमारी 4th फिश आज की. और सच में यहाँ पे डेफिनेटली एक फिश है. और ये आते हुए हमारी प्यारी सी फिश.
Oh my goodness, look at that. ये थोड़ी सी बड़ी साइज में. Wow, look at this. Oh, चुतेरे इस तरह सर गए. This is the fourth catch of the day. ये रही तीन और ये रही नंबर फोर. Good job. Bravo, bravo. और दोस्तों आज का दिन कुछ ज़्यादा ही लकी हो रहा है क्योंकि आज ये हमारी कैच नंबर फाइव आ चुकी है. ये हमारी फिश नंबर फाइव जो कि आते हुए, और देखते हैं ये कितनी बड़ी होने वाली है. लेट्स चेक इट आउट. ओ तेदरुगा रे बाप. हाँ डिफरेंट फिश. इट्स ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ये दूसरे तरह की फिश है. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिश गाइस. सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ फिश इज दैट. ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर है हमारे रोहू फिश के. वॉच थ्रू हो रे बा. टक टक टक. अरे तो इस बार जो दब जाए. Не, ту риба. Мой? То називається язь. Туди? Язь? Мой? Ага. तो पकड़ ली हमने चार फिश और आज ख़त्म करते हैं आज की फिशिंग यहीं पे. और अभी हमने कर दिया यहाँ से सब कुछ रैप अप. एवरीथिंग हैज़ बीन रैप्ड अप. और जहाँ भी आप जाएँ कूड़ा मत फैलाएँ. तो कूड़ा हमने डाल दिया इस पॉली बैग में. इसको उठा के हम फेंक देंगे. यहाँ पे कहीं पे डस्टबिन है तो We will throw it back into the lake. Just it's all together. You know, it's easier for whoever picks it. कूड़ा हम यहाँ से किसी भी डस्टबिन में फेंक देंगे. यहाँ पे कोई ना कोई डस्टबिन होगी. तो चलिए ख़त्म करते हैं इस फिशिंग को यहीं पे और चलते हैं अब घर. और घर जाके खज्जा बनाएंगे एक बढ़िया सी प्यारी सी फिश हमारे लिए. यस खज्जा. मी? नो फकिंग वे. आई विल ट्राई. ऑलराइट, लेट्स सी what khaja can do with the fishes. I got a date today, bro. Got to get my thing, you know. You got a date with yourself, right? Well, Lucas and his friends came back from fishing and look at them. Hi. Now it's time to cook the fish. अभी टाइम है बनाने का फिश. तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा तेल. करते हुए मिक्स यहाँ पे mix. And Khaja is cutting the fishes. Khaja, where are you? For the first time, I'm going in the fish. Yeah, I have no fucking idea. Show me the fish. The fish looks nice. They're still alive. No, they're not alive. What's the name of that fish? Do you know that? No? Who caught this? You? It was caught by Sergey. Sergey. Yeah. So I am supposed to clean it. I have. Do you need some salt here or just? Salt also, yes. But salt. First, yeah, see that? You have to make that as a paste. So you can keep putting oil as much as it becomes like a paste. Mm-hmm. Not more watery, just paste. Here's Himalayan salt. Alright, so let's add a little bit of salt here as Khaja recommends. You can add as much as salt you want, it doesn't matter because the fish is anyway salty. If it's salt, too much salt, then you can see it's a fish salt, yeah? Even though nobody knows that it's not a salt fish. Okay, so let's cook this fish and let's see how it's gonna taste. Alright, we are frying the fish today. The fish which we caught, not we. But our friend. Just and the first part of fish is done. Let's see what these guys have done. So this is the delicious fish. Wow. और ये रही हमारी fish जो बनके हो चुकी है ready. और उसको अभी करने वाले हैं मैं और खज्जा attack. So we're gonna attack this fish. We're gonna try and we're gonna see how it's gonna taste. All right. Okay, come on, let's do it. Bring it closer. Oof. तो ये निकाला मैंने फ्राइड फिश का एक बढ़िया सा पीस. थोड़ा सा अनियन और ये जाते हुए मेरे मुंह में. दिस फिश इज सो गुड खज्जा. गुड जॉब डन. थैंक यू मैम. फर्स्ट टाइम आई मेकिंग फिश. इज इट रियली योर फर्स्ट टाइम? साउथ इंडियन फिश. Authentic recipe of Southern fish. I know the recipe, but I don't. Now I'm gonna squeeze the lemon a little bit.
Mm-hmm. Little bit with lemon. Lemon is perfect for. And now let's take one more bite. One more bite. Tastes like Bangladeshi fish. Number one. Number one. Mm-hmm. Bangladeshi fish, huh? Alright guys, so अभी हम करते हैं इस फिश को एंजॉय और इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे. मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. तब तक सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और राम राम. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. लेट मी फिनिश माय फिश. बाय बाय. लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम टू जिप्सीज. बाय बाय.